हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तभी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को व्हील चेंज करने का प्रोसेस। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, लेकिन ये रात्रि के समय हम लोगों का काम लगा है, ड्यूटी लगा है यहाँ पे, तो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा व्हील कैसे चेंज होता है, रात के समय में कितना अंधेरा था और अंधेरे में हम लोग कैसे काम किए और क्या क्या काम किए। और अभी मैं दिखाता हूँ नीचे, देखिए कितना पानी लगा हुआ है बारिश का, और इसके नीचे हमें जा कर के काम करना हो रहा है। देखिए यहाँ पर नीचे सब लोग गए हुए हैं नीचे काम करने के लिए, तो बहुत सारा पानी है और किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा पूरी रात में। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे और आप लोगों से बातचीत कराता हूँ अपने और भी मित्र साथी संगी से। चलिए शुरुआत करा। यहाँ पे काम चल रहा है, व्हील चेंज हो रहा है पोंछ का, और व्हील देखो वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ सामने ये निकलेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ से ये आएगा। चलिए अभी चेंज करते हैं, फिर पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको। जैसा कि दोस्तों हम लोग आप लोगों को बताया था अभी, तो प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। सामने यहाँ पे देख सकते हैं जैक है, जैक के द्वारा जैक चालू कर दिया गया है। अब कोच को स्मूथली ऊपर हल्का हल्का मूवमेंट किया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है इसको सावधानीपूर्वक, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। तो आराम आराम से जैक के द्वारा इसको उठा दिया गया है, और उठाने के बाद व्हील को निकाल दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सारा स्प्रिंग वगैरह निकाल दिया है। यहाँ पे इसके नीचे से ट्रॉली के नीचे से देख सकते हैं आप लोग, दोनों व्हील निकाल दिया गया है। दोनों व्हील हमें चेंज करना था, यहाँ पे दिखा सकता हूँ और मैं पास से आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर सावधानीपूर्वक आप लोग यहाँ पर बिल्कुल जैक के द्वारा कैसे ऊपर उठा दिया गया है। रात्रि का वक्त हो रहा है दिन, और मैकेनिक इधर जा रहे हैं अपने, तो इधर देख सकते हैं आप लोग। अभी यहाँ से हम लेके चलते हैं आप लोगों को व्हील की साइड में। व्हील जिधर रखा हुआ था, तो दिखा सकते हैं यहाँ पर व्हील का सारा पोजीशन, पार्ट जितने हैं पुर्जे हैं सारे निकाल के यहाँ पर साइड में कर दिया गया है। यहाँ से देख सकते हैं कोच लिफ्टिंग जैक, इसी के द्वारा हम लोग कोच को ऊपर उठाते हैं, और जो भी नीचे काम करना होता है हम लोग नीचे हम लोग काम करते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर सामने सारा पार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, खुला हुआ है। तो इतने भारी भारी कोचेस को कैसे उठाया जाता है, तो दोस्तों हाथ से नहीं उठाया जाता इन सबको, जैक के द्वारा उठाया जाता है। आप लोग काफ़ी लोग सोचते होंगे कि इतने बड़े रेल की व्हील कैसे, चक्के कैसे चेंज किया जाता है। तो अभी हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पर नया व्हील आ चुका है यहाँ पर, और उसके अंदर जितने पार्ट हमने निकाले थे पुराने वाले व्हील में से, ख़राब में से, अब अच्छे अच्छे पार्ट इसमें दोबारा हम इसमें फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद दोबारा हम इस ट्रॉली को कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को आगे भी दिखाता हूँ, आगे भी कैसे काम करते थे हम लोग। देख सकते हैं नीचे स्प्रिंग पड़ा हुआ है, अब स्प्रिंग उठा करके भाई साहब वहाँ पर अमरदीप भाई उधर रखेंगे उसके ऊपर व्हील के ऊपर साइड में। तो चलिए मैं आप अगले भी दिखाता हूँ वीडियो आप लोगों को कैसे क्या काम होता है। अब इसको रखने के बाद धीरे धीरे हम लोग हाथ से इशारा करेंगे ले जाएंगे। और इधर कमल भाई देखिए, तो जैक जो उठाया जाता था व्हील घुमाने के लिए, अब इसको अंदर ले जाकर वेल्डिंग रूम में रख देंगे, आराम से ख़त्म हो जाएगा इसका। इधर देख सकते हैं मैं इधर धीरे से धीरे अपना व्हील को लेकर के जा रहा हूँ अंदर। एक व्हील पहले से अंदर अभी जस्ट गया है, अभी दूसरा व्हील हम लोग लेकर के जा रहे हैं अंदर को इसमें ट्रॉली के अंदर सेट करने के लिए। अभी सेट करने के बाद दोस्तों पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। अभी देख सकते हैं बिल्कुल सावधानीपूर्वक, जो सर पे भी लग सकता है यहाँ पे, बायो टॉयलेट जो रखता है नीचे का हिस्सा जो रहता है, तो ये सब देख सकते हैं आप लोग। आराम आराम से लेकर जा रहे हैं हम लोग, और एक भाई साहब उसमें पानी में पहले से ही खड़े हैं व्हील को एडजस्टमेंट करवाने के लिए। अभी इसको जैक के द्वारा धीरे धीरे इसको नीचे किया जा रहा है कोच को, ताकि ट्रॉली के अंदर आकर के सेट हो जाए वो। तो अभी देखते हैं दोस्तों कैसे यहाँ पर पकड़ रखें एक व्हील को, एक बंदे यहाँ पर पकड़ रखें, बाकी दूसरी साइड में एक बंदे पकड़ रखें, यहाँ पर मैं पकड़ रखा हूँ, या पीछे और भी पकड़ रखे थे। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल कोच को फिटिंग कर दिया गया है, अभी हल्के हल्के और बाकी है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्प्रिंग को, यहाँ पर बीच में गैपिंग दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। तो अभी उसको एडजस्टमेंट किया जा रहा है जैक के द्वारा, नीचे लाया जा रहा है उसको, नीचे लाने के बाद बिल्कुल सेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल काफ़ी अंधेरा हो चुका था यहाँ पर, और मैं थोड़ा आया था स्टोर रूम के साइड में घूमने के लिए, ताकि आप लोगों को दिखा दूँ कितना अंधेरा है अभी। यहाँ पे तो लाइट जल रहा था, इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा कोच के साइड में दिखे थे आप लोगों को उजाला। तो यहाँ पे देखते दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फिटिंग हो चुका है, हम लोग रेडी हो चुके हैं अब घर जाने के लिए यहाँ से। तो अभी देख सकते हैं अभी थोड़ा बहुत और चेकिंग करने के लिए बचा हुआ है, जैक को अच्छे से उसके कवर से ढक दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से। और मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को अपने फिटर रूम के अंदर। अभी फिटर रूम के अंदर मैं जा रहा था उधर बाहर हाथ धोने के लिए बेसिन में, तो यहाँ पे मैं सोचा आप लोगों को मैं अपना फिटर रूम दिखा दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर सोप ले रखा हूँ मैं, और पेपर सोप लेकर के जा रहा हूँ, और बाहर आया तो देख सकते हैं यहाँ पे बाहर भी कितना अंधेरा हो चुका था। और ऐसे अंधेरे में हमें अकेले जाना होता है घर पर भी, तो अभी हम लोग तीन लोग साथ में हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अमरदीप, पीयूष और मैं, तो तीनों लोग ऐसे अंधेरे में हम लोग रात को जा रहे थे।
तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए रेलवे में कैसे काम होता है, कैसे ड्यूटी होती है, तो ऐसे हम लोग को देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल। तो ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप लोग को। रात को भी थोड़ा बहुत मैं मौसम दिखा सकता हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुनहरा मौसम लग रहा था यहाँ पे। गाड़ी से सब कोई अपने अपने घर जा रहा है। तो हमारे अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी जो इंटरेस्टेड है रेलवे से इंपोर्टेंट देखने के लिए वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।